हम नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं, यह कहना है भारतीय जनता पार्टी द्वारा निष्कासित पूर्व जिला कार्यकारी अध्यक्ष एवं संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के लीगल एडवाइजर कुलभूषण भारद्वाज का, जो न केवल नाथूराम गोडसे अमर रहे जैसे नारे लगा रहे थे बल्कि संत कालीचरण की गिरफ्तारी का भी वैध बता रहे थे। भारद्वाज की माने तो संत कालीचरण द्वारा दिए गए बयानों का यह पहुंचे तमाम लोग समर्थन करते हैं, उनकी रिहाई के लिए पैदल मार्च कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। क्या कहेंगे, क्या कुछ ये प्रोटेस्ट है? हम गुरुग्राम के जितने भी ये युवा टीम, युवा ब्रिगेड जो के शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, झांसी की रानी, मंगल पांडे, तात्या टोपे और नाथूराम गोडसे को अपना हम आदर्श मानते हैं, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार ने हमारे संत शिरोमणि संत श्री कालीचरण जी को गिरफ्तार किया है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम आज माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम आज उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन देंगे कि एक तरफ एक सुअर भड़वा ओवैसी जिस प्रकार की भाषा बोल रहा है, हिंदुओं को धमकाने का काम कर रहा है, और सरकार ने ओवैसी ने पुलिस को भी चुनौती दी है। गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट।